संस्कृति पांड्या फ्रॉम संदूक, शी इज इनटू हैंडमेड ज्वेलरीज. संस्कृति कैन बी प्लीज हैव यू एंड नेक्स्ट सीमा सुमन प्लीज बी रेडी. हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन. हाय हाय, संस्कृति. आई एम संस्कृति फ्रॉम संदूक. एक्चुअली आई हैव हैंडमेड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स. आई हैव लॉट्स ऑफ वैरायटीज इन दिस काइंड ऑफ टेराकोटा, मार्बल्स, स्टोन्स एंड ऑक्सीडाइज एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर. वुडन इज ऑल्सो देयर, बट टुडे इज अ हैंडलूम डे. So I want to stick with the theme with the fabric jewelry which I made from different kind of fabrics, kind of khan, for dhabu print, from cotton, from so many different things. And that cotton balls also we use for jewelry. So I want to present my some jewelry products so you can have a little bit of idea. See, these are the necklaces made with a fabric which is dhabu print, which is washable. You can use it again and again just because we are not using a cardboard inside it. So you can wash it, you can pin it, you can use it with other things also, you know, multi-purpose. Girls are somewhere sometimes use, the young girls who bought from me use like as a kammarband also. It's up to you, people are doing by themselves. And this is also something like temple jewelry with fabric. And we have made this kind of small fabric necklaces for small girls. This one is wooden thing. This is nothing, something unique, but it's a simple but sweet. And this is terracotta. This one is terracotta, and that is made by our local potters. They are helping me. जो हमारे पास में जो मटके बनाने वाले जो एक एरिया में है, लोग हैं, वो हम मुझे हेल्प करते हैं. पहले वो कन्विंस नहीं हो रहे थे, बट धीरे धीरे मैंने कन्विंस किया और नाउ दे आर द यू नो मास्टर इन दिस. दे आर डूइंग वेरी वेल जॉब. नाउ दे आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ स्मॉल यू नो वेस्टर्न कलेक्शन ऑल्सो. बेसिकली टेराकोटा जो होता है वो ट्रेडिशनल होता है, बट वी हैव ट्राइड समथिंग न्यू. आई हैव वॉर इयर रिंग्स ऑल्सो एंड दिस इज द नेकलेसेस. दिस इज द आई हैव यूज्ड कॉटन बॉल्स इन दिस विथ ऑक्सीडाइज. And yes, I have one more thing which is made with a twisted rope. This is the necklace made with a twisted rope. Rope is basically, you know, in a simple word, I can say a nada, which we use day to day use. And उसको मैंने थोड़ा स्टार्च करके थोड़ा कड़क बना के उसको सिल्क थ्रेड जो अपने जो नॉर्मल जो धागे होते हैं उससे रैप करके ये पूरा ये डिजाइन किया हुआ है. इसमें भी बहुत सारे अलग अलग वराइटीज है. This is also again terracotta. I want to show my artist artwork. This is 3D work. They are basically making only simple मटकास and दियास. अब वो लोग ये भी बनाते हैं, मतलब 3D पूरा वर्क वो लोग कर पा रहे हैं, मतलब इतने वो लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं. आई एम रियली वेरी हैप्पी विद देयर वर्क. और एवरी टाइम दे आर गिविंग मी समथिंग न्यू. मैं उनको एक डिजाइन देती हूँ, उसमें से इतना बेस्ट करके देते हैं कि आई एम रियली हैप्पी विद देम. एंड यस, दिस इज समथिंग विद अ मार्बल. दिस इज द मार्बल पीसेस जो हमारे एंड ऑफ द आर एरिया एक मार्बल का छोटा सा वर्कशॉप है जहाँ पे वो लोग मार्बल के जो हम लोग नॉर्मली ये लोग यूज करते हैं बड़े बड़े पत्थर, उसमें से टुकड़े बचते थे, उनमें से उन लोगों ने स्टार्टिंग में मुझे छोटे छोटे बना के दिए. देन दे हैव हेल्प मी अ लॉट अगेन. फिर उन लोग को एक उनको उनके पास एक आर्टिस्ट है, वो मुझे डेकोपेज करके देता है. सो एंड आई मेड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विद दिस थिंग्स. एंड दिस इज ऑल्सो अगेन अगेन मार्बल. मार्बल में भी बहुत सारे वेराइटीज है. सो एक्चुअली देखा जाए तो मुझे मेरे आसपास के ही जो लोग हैं वो बहुत हेल्प करते हैं. मटके वाला है, फिर हमारे पास में एक लेडी है जो टेलरिंग का काम करती है, वो मुझे फैब्रिक ज्वेलरी का बेस बना के देती है. बिकॉज एवरी टाइम हाथ से बनाना इज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. स्टार्टिंग में हो पाता था सब कुछ, जब दो चार चीजें बनती थी फिर अगेन इट्स नॉट पॉसिबल. सो They ladies are also helping me, and yes, I have some other varieties also. I would like to show you. These are the earrings. These are also made by the ladies only. See, these are their craft works. This is also the things. See,
These are also very beautiful things. And this is the terracotta earrings. These are also made by my potters. I can say an artist now because they are doing a very well job. And see, these are the some varieties, more varieties. This is the made with the cotton balls. This is also again a twisted rope. And this is a fabric with stones. This is also again fabric. This is a kachhi work. This is a marble. This is also again made with a brocade. And this is khan work. This is a kachhi work again. Ye pure cotton mein se bana hai. This is a marble again. And yes, these are the varieties of this. This is also something different fabric. This is also different. This is the one piece of a stone. I just want to show you my work. That's why. And these are the small necklaces for small girls. We have used so many different fabrics. See. And I'm going to share my. And I'm going to share my contact and the details chat box. So please feel free to connect with me. I'm working from home, so 24/7 I'm available, and I'm a little bit of crazy towards my work, so you can connect with me anytime, midnight too also, I'm also available. So yes, feel free to contact with me. I'm sharing my details. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you, Sanskriti. And yes, definitely, I have spoken to you at night 2 o'clock also. Okay. So I hope you remember this necklace, which is I have purchased from you. It's beautiful, very beautiful. So thank you, Sanskriti. So next.